पुराना शहर में कई सालों से एक बड़ा ब्रांड का नीचे वो गलती धंधा करने वाले वो नटराज ऑयल फैक्ट्री का प्रोपरेटर श्याम सुंदर लोया, ये फैक्ट्री का ऑपरेटिव मैनेजर सुरेंद्र मंडल उड़ीसा का रहने वाले और मैनेजर कोवरी रामकृष्ण प्रसाद, ये तीनों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया, क्योंकि 2000 से कई रूप से ये पूरा नकली फेक मिक्सी धंधा कर रहा है। वो जाली एडिबल ऑयल ये पैकेट में पूरा पल्ली कलरफुल पल्ली का फोटो लगता है, दिखाता है, लेकिन अंदर ऑयल अलग है, पामोलिन अदर वेजिटेबल ऑयल है। वो ग्राउंडनट ऑयल बोलते हैं इसमें रिफाइंड, लेकिन इसमें पूरा पामोलिन मिक्स करके भेज रहा है। पामोलिन बहुत कम रेट में मिलता, लेकिन पल्ली का ग्राउंडनट ऑयल बहुत ज़्यादा खरीद है। ऐसा सनफ्लावर में भी ऐसा मामला चल रहा है। सनफ्लावर में राइस ब्रान पामोलिन थोड़ा कमी रेट का जो मिलने वाले हैं उन मिक्स करके ये पूरा ये पामोलिन का फ्लावर दिखाता है, लेकिन इसमें सनफ्लावर ऑयल बहुत कम मिलता है। ये पूरा एडवर्स रिपोर्ट्स भी आ जाता है, तबीयत का पूरा परेशानी हो जाता है, और हमारा रेट को भी जो रेट दे रहा है उनको भी चीट कर रहा है। जो रेट दे रहा है ग्राउंड नट ऑयल को दे रहा हूँ, लेकिन मिलता है पामोलिन और राइस ब्रान। वो मिक्स करने में केमिकल्स डालने में वो हेल्थ कंडीशन में भी एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कम उम्र में बीपी, शुगर, नर्वस डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कैंसर्स बहुत आ रहे हैं। लास्ट ईयर हुसैन आलम में काला मिर्च, काला खसखस, काला जीरा, फेक जीरा वो पकड़ने के बाद हम पुलिस कई रूप से वो जाली आइटम्स फूड प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उनको सभी के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लिया, 90% कंट्रोल हो गया। लेकिन ये BRS सन गोल्ड, वो नटराज ऑयल, स्पीड, कई ब्रांडों से ब्रांड नेम से वो लोग 16 ब्रांड में वो चीट कर रहे हैं। ये श्याम सुंदर लोया मलेशिया से कृष्णपट्टनम पोर्ट से नेल्लूर से वो इंपोर्ट करता है पामोलिन, ज़्यादा टैंकर्स। वो पल्ली का ऑयल बहुत कम मिलता है, लेकिन रेट ज़्यादा है। वो मिक्स करके अपने प्लांट में पुराना पुल का एक टेंपल के प्रेमिसेस में वो पैकिंग करके आंध्र तेलंगाना कई डिस्ट्रिक्ट्स को वो पूरा बिजनेस कर रहा है। सो ये तीनों आदमी को गिरफ्तार कर दिया जुडिशियल रिमांड के लिए। कुछ प्रेस वाला पुलिस वाला अगर उनको चेक करने के टाइम में वो अपने चेक लगाने के लिए मीडिया के ऊपर पुलिस के ऊपर एक चैनल अपने एक मीडिया चैनल चालू कर दिया, TNI लोकल चैनल TNI पंजागुट्टा हेड ऑफिस। अगर कोई मीडिया वाला वहाँ जाएगा तो वो लोग काउंटर रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल कर पाए। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है वो कैसे आता है चेक करने के लिए। ओके, वो भी ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन कई सालों से उनके रिपोर्ट से कंप्लेंट्स में वो संतोष नगर में एक आदमी देने के समाचार में शकील ये धंधा ओपन हो गया। हम चारमीनार ACP इंस्पेक्टर बहादुरपुरा संतोष नगर और एडिशनल DCP बाबूराव जानिब से पूरा
जो सस्पिशियस स्टॉक है उनको सीज कर दिया, वो 50 लाख कीमत। और सैंपल्स यहाँ लैब में कुछ कम लोग थे एनालिस्ट, तो इसीलिए वो मैसूर का सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के भेज दिए। इसके अलावा बीआरएस वो सातम राय के रहने वाले फैक्ट्री को भी रेड करके वहाँ भी सीज कर दिया, लेकिन वो लोग ये पूरा ग्राउंड नट बैन कर दिया, ओनली सनफ्लावर राइस ब्रान है। वो कितना सबस्टैंडर्ड है, कितना मिक्सिंग है, रिपोर्ट आने के बाद एक्शन ले लेंगे। और इसके साथ ये जाली शहद, इसमें ग्लूकोज जागरी गुड़ और पोटाश आलम के बिना कोई शहद नहीं है, ये पूरा डुप्लीकेट है। वो जाली आइसक्रीम और जाली मिर्च पाउडर, हल्दी और अदरक का लहसुन, ये साउथ जोन में ज़्यादा यूज है मसाला। लेकिन पता नहीं औरत को आजकल ये रेडीमेड खरीद रहा है, इजी मिस हो रहा है, ईजिली मिल जा रहा है, लेकिन इसमें पूरा एसिड है, पूरा खराबी पोटैटो पल्प डाल के, छोटा छोटा लहसुन अदरक डाल के पूरा केमिकल्स डाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं मसाला स्मेल, पंजेंट स्मेल, वो ऐसा स्मेल आ जाता है पूरा इलायची लवंग ये इसका साथ, पूरा मसाला के साथ ये भी स्मेल ऐसा चल रहा है, लेकिन ये पेट में जाने के बाद कितना परेशान करते हैं, कैंसर आ जाता है, वो फूड भी खराब हो जाता है।